हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेनरमिक्स बाय हर्ष दीक्षित। सो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन रिकवरी आ गई, अच्छा खासा हाई पे गया था, थोड़ा नीचे आया बाद में। क्या लग रहा है निफ्टी बैंकिंग के कहाँ पे जाएगा मार्केट? इलेक्शंस का फिफ्थ वेव अभी खत्म हो रहा है, क्या लग रहा है? तो क्या मोदी आएंगे, क्या मार्केट में तेजी आएगी जैसे बोल रहे हैं, क्या लग रहा है? सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट निफ्टी बैंकिंग के स्टॉक्स स्टॉक डिस्कस करूंगा, कौन से स्टॉक अच्छे रन देंगे अगले कुछ मंथ में, नेक्स्ट वीक में, 2 वीक में क्या होने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। वॉच दिन एंड इफ यू आर न्यू, इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, एंड मेक दिस चैनल वायरल। फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट। लाइव मार्केट में बहुत सारे चार्ट्स डालता हूं मैं, ये मेरा हैंडल है @trendonomicshd। आप यहां पे मुझे फॉलो कर सकते हो ट्विटर पे, हाईलाइट सेक्शन में आप जाओगे तो आपको मिलेगा। पहले तो मेरा जो 25,000 का टारगेट है, यस वी आर गोइंग टू 25,000 निफ्टी बाय अगस्त मिड टू एंड, राइट। एंड उस आपको मिलेगा फ्री ईबुक, कंप्लीट इलियट वेव का बुक फ्री है, ये मेरा टारगेट इलियट वेव बेस है। तो आपको इलियट वेव सीखना है फ्री में, तो ये बुक आप पढ़ सकते हो ये लिंक पे रजिस्टर करके, और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो ये लिंक से जो थर्ड ट्वीट में। ओके, लेट्स सी मार्केट क्या लग रहा है, निफ्टी क्या लग रहा है। सो ओवरऑल व्यू कौन तो हमारा सेम है, लास्ट 2 मंथ हम एक ही व्यू पे अड़े थे कि व्यू 4 का करेक्शन आ रहा है, और अभी लास्ट फिलहाल लास्ट वीक के बाद ये जो नीचे आया 21,800, वहां उसके बाद हम अभी बुलिश है फिफ्थ वेव के लिए 25,000 प्लस निफ्टी, राइट। 4 मंथ का व्यू है ये, ऑब्वियसली ये तो कल नहीं आने वाला, आई मीन नेक्स्ट वीक नहीं आने वाला या जून में नहीं आने वाला 25,000। आएगा 25,000, बट इट विल टेक टाइम, इट विल बी इन ऑगस्ट समवेयर, राइट। सो व्यू तो है फिफ्थ वेव का बेस्ड ऑन इलियट वेव सी फ्रॉम मार्च 2023। दिस इज 1, 2, दिस इज थर्ड और फोर्थ वेव का करेक्शन जो हो गया, जिसपे हम फर्म थे व्यू पे वो के फोर्थ वेव करेक्शन आ रहा है, और अभी फर्म है व्यू पे के फिफ्थ वेव राइज आ रहा है, एंड इट शेड हेड टू 25,000 प्लस इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, राइट। सो ये व्यू कायम रहेगा। बैंक निफ्टी में भी व्यू है कि थर्ड वेव आएगी, बैंक निफ्टी थोड़ा लैग कर रहा है, बट ये देखो ये जो लेवल है बैंक निफ्टी 4,220 का, उसके ऊपर जाना चाहिए। तो ओवरऑल व्यू तो बुलिश है मार्केट पे, ओवरऑल मेरा व्यू बुलिश है निफ्टी बैंक निफ्टी पे, एंड स्टॉक्स भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन पहले मैं एक बात आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये बुक डेफिनेटली पढ़ लो, इलियट वेव का ये जो कंप्लीट बुक है, फ्री बुक है, हमारे वेबसाइट पे भी है ये फ्री बुक, और ये कोर्स भी मैंने दिया है। तो आप अगर वो लिंक पे रजिस्टर करते हो ये फ्री बुक पे, आप आ जाओगे इलियट वेव इंटरनेशनल के वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपको पूरा बुक पढ़ने मिलेगा, सारे इलियट वेव के पैटर्न, मोटिव वेव, करेक्टिव वेव, सारे आपको सीखने मिलेंगे। तो डेफिनेटली बुक ये आप पढ़ लो, ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ओके, लेट्स सी निफ्टी क्या लग रहा है। ओके, तो निफ्टी इंट्राडे देखते हैं अभी, इन डेली का तो व्यू मींस ओवरऑल ब्रॉड हमारा तेजी का ही है। सो फ्रॉम दिस लो 21,800 से क्या लग रहा है? सो 21,800 से लग रहा है कि अभी ये वेव 1 और 2 हो गया, यस डेफिनेटली लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था 22,080 के आसपास का लेवल है, उसके नीचे नहीं जाएगा और ऊपर में तेजी आएगी। और लास्ट वीक क्या डिस्कस किया था इस ये रैली के बाद, कि 22,300 का लेवल है, उसके नीचे नहीं जाएगा, तो कोई भी हमारे लेवल से मार्केट नीचे जा नहीं रहा। तो वेव काउंट्स क्या है? सो सी दिस इज क्लियरली 1 एंड 2, अगेन प्रोबेबली दिस इज वेव 1 एंड 2 आज कंप्लीट हुआ है, एंड स्टार्टिंग थर्ड वेव, और मे बी स्लाइटली वी आर स्टिल इन सेकेंड वेव करेक्शन इन निफ्टी। बट अभी नीचे अगर कोई करेक्शन आता है तो 21, सॉरी नॉट 21, 22,410 के नीचे नहीं जाएगा। 22,410 इज द लेवल, उसके नीचे निफ्टी नहीं जाएगा। अगर नीचे आता भी है, और रादर आज का लो के नीचे जा ही नहीं पाएगा निफ्टी, 22,450 के नीचे नहीं लग रहा मुझे। और ऊपर के साइड में, अगर क्या लेवल है, तो ऊपर के साइड में ये रेजिस्टेंस है 22,540 के आसपास, 22,540, 22,550। एक बार ये लेवल क्रॉस कर दे तो कंफर्मेशन आ जाएगा कि उसने थर्ड ऑफ थर्ड वेव मार्केट ने स्टार्ट कर दी है, और मार्केट जाएगा न्यू हाई पे, राइट। न्यू हाई आएगा जल्दी ही, 3-3 में। आइडियली वी आर वेरी बुलिश,
बहुत ऊपर देख रहे हैं मार्केट, 23,000 नेक्स्ट वीक में, शायद ये वीकेंड और मे बी नेक्स्ट वीक वी विल सी 23,000 प्लस निफ्टी, राइट। तो नीचे में ज्यादा डाउनसाइड है नहीं, 22,450 के नीचे ही नहीं लगता, और ऊपर में 22,560 के ऊपर एक बार जाएगा मार्केट तो अपसाइड कंफर्म हो जाएगी न्यू हाई के लिए। मार्केट इज वेरी बुलिश, बाय ऑन एवरी डिप, मार्केट में तेजी है और तेजी ही होगी। ये कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? तो डेफिनेटली इलियट व्यू से आता है। आई एम डूइंग इलियट व्यू फ्रॉम 13 ईयर्स, ओके। और अगर आप ये बुक पढ़ लोगे तो आपको इलियट व्यू समझ में आएगा, सारे मोटिव वेव, करेक्टिव वेव्स, एवरीथिंग यू विल लर्न हाउ मार्केट वर्क्स। हाँ, बट एक चीज मैं आपको बोलता हूँ कि आप बुक पढ़ के ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि बुक में ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ कैसे राइड करना है, उसको टारगेट कैसे करना है, आएगा तो उसको राइड कैसे करना है, टारगेट को, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, और अगर नहीं होता है, एनालिसिस फेल होता है, ऑब्वियसली सब हर कोई अपना ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होता, कोई कोई एनालिसिस रॉन्ग भी होता है, राइट। सो अगर वो फेल होता है तो अल्टरनेट व्यू क्या है और उसको कैसे ट्रेड कर किया जा सकता है, अल्टरनेट व्यू कौन को, ये सारी चीजें आपको इलियट व्यू की बुक में नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें आपको खुद से सीखनी पड़ेगी, लर्निंग करनी पड़ेगी, ट्रायल एंड एरर से मैंने किया है, बहुत साल लग गए। तो इफ यू वांट टू लर्न, वी हैव कोर्सेस, रिकॉर्डेड कोर्सेस है 1 to 99 में ओनली इलियट व्यू। आपको अगर सीखना है इलियट व्यू रिकॉर्डेड कोर्स इंग्लिश में सिंपल, यू कैन लर्न। अगर प्राइस एक्शन सीखना है, ट्रेडिशनल टेक्निक एनालिसिस, यू कैन लर्न 786। इसके प्राइजेस अभी मैं बढ़ाने वाला हूँ एक दो ये मंथ के बाद, तो जून से मैं ये प्राइजेस बढ़ा दूंगा। अगर दोनों सीखना है तो 1699 में आप रिकॉर्डेड कोर्सेस दोनों सीख सकते हो, इलेट व्यू प्राइस एक्शन 1699। मेंटरशिप बैच अभी मेरा थोड़ा पोस्टपोन किया है मैंने, और वीकेंड बैच भी रख रहा हूँ, अगर कोई वीकेंड में सैटरडे संडे ज्वाइन करना चाह रहा है तो उनके लिए वीकेंड बैच भी है। तो अगर आपको मेंटरशिप बैच ज्वाइन करना है, अभी भी चांस है, अभी भी थोड़े बहुत एडमिशन बचे हुए हैं, मैंने पोस्टपोन किया है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था पर्सनल, लास्ट वीक में घूमने गया था, आपने वीडियो देखा ही रहेगा, राइट। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन मेंटरशिप यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इट, वी स्टिल हैव सम सीट्स अवेलेबल, और सैटरडे वीकेंड बैच भी है तो वहां पे भी आप जा सकते हो। वीकेंड बैच में सैटरडे संडे जो होगा, राइट, इट विल बी ए मंथ प्लस कोर्स, 25-30 सेशंस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड, 20-25। अगर 2-3 घंटे का रहेगा तो सेशन कम रहेंगे, अगर 1.5-2 घंटे का रहेगा सेशन तो सेशन ज्यादा रहेंगे ऑब्वियसली। ओवरऑल 40-50 आवर्स लर्निंग आपको मिलेगी, राइट, इलियट वेव की कंप्लीट लाइव, एंड यू कैन आंसर, यू कैन आस्क क्वेश्चन, आई विल आंसर देम। तो क्वेश्चन एंड आंसर टाइप इंटरेक्टिव रहेगा, सारे डाउट्स सॉल्व होंगे, और ऐसा नहीं है कि एक ही बैच में खत्म नहीं, आप वापस अगले 1 साल में वापस ज्वाइन कर सकते हो बैच कभी भी विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। यस, 20,000 इज द चार्ज फॉर वन टाइम, बट यू कैन ज्वाइन अगेन इन नेक्स्ट वन ईयर, विद इन 1 ईयर, 1 साल में कभी भी आप वापस ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको सीखना है, ओके। तो निफ्टी का तो अभी डिस्कशन हमने कर लिया, मैं स्टॉक्स भी डिस्कस करने वाला हूँ। यस, बहुत सारे स्टॉक अच्छे चलने वाले हैं, मैं दे रहा हूँ आपको, राइट। और धीरे धीरे मैं थोड़ा बहुत ऑप्शन पे भी आपको दूंगा कुछ कुछ, कभी कभी अगर कुछ अच्छा लगा ऑप्शन तो वो भी सजेस्ट करूंगा। तो देखो निफ्टी में तो क्लियर है मेरा, निफ्टी में मेरा पोजिशन नहीं है, अगर निफ्टी 550 के ऊपर जाता है तो मैं लॉन्ग कर लूंगा। आज मैंने किया था लॉन्ग, मीन्स लास्ट वीक से खड़ा ही है वैसे, बट आज एक बार मैंने पोजिशन स्क्वायर ऑफ कर दी निफ्टी की वीकली ऑप्शंस की, आई विल बाय अबाउट 22,550, राइट। बैंक निफ्टी में आज के हाई के ऊपर मोमेंटम दिख रहा है आते हुए, थोड़ा लैप कर रहा है बैंक निफ्टी में, सेलिंग प्रेशर है। इंट्राडे अगर चार्ट देखे तो क्या है, तो सिंपल ये देखो, ये भी 1 और 2 हो गया, फिर वापस 1 और 2 है, थर्ड में आएगा बैंक निफ्टी। तो कल मुझे लग रहा है बैंक ही अभी यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम देने वाले हैं, बैंक निफ्टी में मोमेंटम आएगा, राइट। सो क्या लेवल है बैंक निफ्टी का? तो बैंक निफ्टी का 48,100 के ऊपर अगर जाता है तो थर्ड वेव में, वो थर्ड ऑफ थर्ड में जाएगा, उसमें अच्छा खासा मोमेंटम बैंक निफ्टी में मिलेगा। सो कीप वॉच ऑन बैंक निफ्टी। अभी मैं स्टॉक्स दे रहा हूँ, देखो टाटा मोटर्स में
टाटा मोटर्स में आज का हाई अगर क्रॉस होता है 960 का, देन इट विल गिव अ गुड मोमेंटम। अभी यहाँ पे देखो वेव फोर का करेक्शन कंप्लीट हुआ है, वेव फोर करेक्शन कंप्लीट होने के बाद वो वेव फाइव की रैली में जा रहा है। बट यस ऑब्वियसली वी नीड टू क्रॉस सम लेवल्स, तो ये लेवल है 958 का। अगर वो क्रॉस होता है तो टाटा स्टील टाटा मोटर्स में अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा, तो टाटा मोटर का 970 का कॉल आप देख सकते हो अगर, लेकिन ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकआउट के बाद 958 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो ही आपको लेना है, राइट? नॉट बिफोर दैट, ब्रेकआउट से पहले कभी भी ट्रेड मत लेना, राइट? एस बी आई मेरा आज लॉन्ग मैंने एक बार एग्जिट किया, बट टुमारो आई एम गोइंग टू ऐड अगेन। यस मेरा लास्ट वीक से था, यहाँ से मैंने लॉन्ग लेके गया था एस बी आई का। एस बी आई मुझे लग रहा है ब्लास्ट अप देगा। एक बार इंट्राडे मैंने आज बुक कर ली थोड़ी बहुत पोजीशन, अभी कल वापस ऐड करूंगा अगर ये लेवल क्रॉस होता है 8:30। ये लेवल देखो 8:33 के ऊपर ये लेवल है इंट्राडे का। ये देखो यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले एस बी आई, देखो 8:34 5 8:35 के आसपास, तो वो अगर क्रॉस होता है तो अच्छा खासा एस बी आई में मोमेंटम मिलेगा, तो कीप वॉच ऑन एस बी आई। अच्छा खासा मोमेंटम बिल्डअप होगा, 800 80 900 तक थर्ड वेव में जाएगा मुझे लग रहा है, टिल फर्स्ट वीक ऑफ जून शायद उससे पहले ही जाएगा 900 तक। एस बी आई इज वेरी गुड मोमेंटम स्टॉक, तो इस पे ध्यान रखो, इसका 8:30 के कॉल पे ध्यान रखो, 8:30 8:35 वॉट एवर यू लाइक, राइट? एक्सिस बैंक में लग रहा है, देखो यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, ये लेवल है एक्सिस बैंक की 1144 के आसपास, तो अगर 1144 के ऊपर एक्सिस बैंक आ जाता है क्रॉस कर लेता है आवरली क्लोजिंग, तो या एक अच्छा मोमेंटम एक्सिस बैंक दे देगा, राइट? और बहुत अच्छा मोमेंटम आते हुए मुझे दिख रहा है एक्सिस बैंक में। बजाज फाइनेंस में मैं लेके गया हूँ पोजिशन थोड़ा बहुत, बजाज फाइनेंस में देखो यहाँ पे बेस बिल्टअप हो रहा है, अगर ये आज का हाई क्रॉस कर देता है तो अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम बनेगा। ये देखो यहाँ पे ये लेवल है मूविंग एवरेज 6772, तो उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो बजाज फाइनेंस में अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनेगी, बुलिश मोमेंटम बनते हुए बजाज फाइनेंस में दिख रहा है, राइट? तो कीप वॉच, मुझे लग रहा है थर्ड वेव में जाएगा, यहाँ पे देखो 1 और 2 हो गया और थर्ड वेव जाएगा बजाज फाइनेंस, सो कीप वॉच। रिलायंस में हमने लास्ट वीक ही डिस्कस किया था, यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट हुआ है और ऊपर मोमेंटम में जा रहा है, सो इंटरनली 1-2 1-2 वेव काउंट है। मैं अभी 5 मिनट चार्ट नहीं लगाऊंगा, बट रिलायंस लुकिंग गुड, एलएनटी इज लुकिंग गुड, एलएनटी में साइडवेज थोड़ा जा सकता है 1-2 दिन के लिए, बट ओवरऑल फिफ्थ वेव में जाएगा। एशियन पेंट का मुझे लग रहा है करेक्शन कंप्लीट हो गया है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है एशियन पेंट्स, राइट? लास्ट 3 साल में रिटर्न नहीं दिया लेकिन अभी देगा। एचडीएफसी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अगेन। एचडीएफसी कोटक आर ऑलरेडी गुड स्टॉक्स फॉर होल्ड फॉर 1 और 2 ईयर्स, राइट? मोमेंटम वाइज एनएचपीसी मुझे लग रहा है अच्छा, लास्ट वीक भी मैंने डिस्कस किए थे ये स्टॉक यहाँ पे, एक्चुअली मैंने लास्ट लास्ट वीक में डिस्कस किया था एनएचपीसी। कोल इंडिया हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे, सो फिफ्थ वेव में जा रहा है। एसजीवीएन में आज ब्रेकआउट आ रहा है, हमने लास्ट वीक यहाँ पे डिस्कस किया था जब ब्रेकआउट आया था यहाँ पे मोमेंटम फोर्थ वेव कम्प्लीट के बाद, तो फिफ्थ वेव इसमें आएगा। बीपीसीएल में हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया है ब्रेकआउट के बाद, बीपीसीएल में मोमेंटम दिख रहा है, हिंदुस्तान पेट्रोल में दिख रहा है मोमेंटम आते हुए, राइट? ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया और अभी मुझे लग रहा है मोमेंटम डेवलप होगा हिंदुस्तान पेट्रोल में, राइट? केमिकल स्टॉक में रिक्वेस्ट आया था कि क्या लग रहा है केमिकल स्टॉक्स, तो वो भी डिस्कस करते हैं। तो एसआरएफ में मुझे लग रहा है एसआरएफ में अभी भी फोर्थ वेव मीन्स करेक्शन मोस्टली खत्म नहीं हुआ, और शायद अभी ये लो पे हम बोल सकेंगे कि करेक्शन कंप्लीट हुआ, क्योंकि ये देखो ये राइस जो आया ये राइस करेक्टिव ही है, उसके बाद वापस मार्केट नीचे जा रहा है, राइट? तो क्या यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट हुआ है, चांसेस है। तो एसआरएफ में मैं कहूंगा अगर ये लेवल अगर वापस ब्रेक होता है इसके ऊपर तो चांसेस है एसआरएफ का करेक्शन फोर्थ वेव फाइनल कंप्लीट करके एसआरएफ जाएगा तेजी में, सो कीप वॉच। ये लेवल है एसआरएफ का 2339 2340 समझ लो, उसके ऊपर अगर जाता है तो एसआरएफ में अच्छा
असम वो मिल सकता है। दीपक नाइट्राइट का करेक्शन कंप्लीट हुआ है, फोर्थ में फोर का ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी, और ये ब्रेकआउट देके हायर टॉप हायर बॉटम ऑलरेडी बना रहा है, सो इसमें अच्छी मोमेंटम आएगी। दीपक नाइट्राइट इज बेटर देन एसआरएफ। आरती इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो डेफिनेटली बेटर इसमें, क्योंकि भी इसमें भी करेक्शन कंप्लीट हुआ है फोर्थ वेव का, और ये रिट्रेसमेंट दे रहा है यहाँ पे मोस्टली। दिस इज वन एंड टू राइट। तो व्हाट इज द व्यू, सो दिस इज वन टू, तो अभी थर्ड में जाएगा फिर, मीन्स इट हैज हायर टू गो, इट हैज मच हायर टू गो राइट। आरती इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छी तेजी मिलेगी, तो कीप दी स्टॉक ऑन वॉच। रेन इंडस्ट्रीज में लग रहा है अच्छा खासा मोमेंटम अभी मिल रहेगा, फाइनली करेक्शन कंप्लीट हो रहा है रेन इंडस्ट्रीज का। दिस इज अवर इन्वेस्टमेंट स्टॉक, तो मैं तो होल्ड करूंगा 2 साल। आई एम लुकिंग फॉर 10x रिटर्न 2-3 साल में। आपको थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन यस आई एम लुकिंग फॉर 8x to 10x रिटर्न रेन इंडस्ट्रीज। बालाजी अमाइंस पे रिक्वेस्ट आई थी, तो बालाजी अमाइंस अभी भी लग रहा है वेव फोर करेक्शन में जा रहा है बालाजी अमाइन। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है 2430 तो उसके ऊपर बालाजी अमाइंस में तेजी आ सकती है, तब तक रुकना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो गया। देखो ट्रेंड चैनल देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट जस्ट स्लाइटली फेल हो गया, तो अभी ये लेवल है। अगर 2425 के ऊपर चला जाता है तो बालाजी अमाइंस का मोस्टली करेक्शन कंप्लीट होके न्यू इम्पल्स वेव आएगी बालाजी अमाइंस में राइट। हिंदकॉन केमिकल अच्छा लग रहा है, बट दिस इज थोड़ा ऑपरेटर स्टॉक है, तो इसमें थोड़ा बच के रहना राइट। बट अच्छा खासा मोमेंटम डेवलप हुआ है हिंदकॉन केमिकल में, तो केमिकल सेक्टर को डिस्कस कर लिया हमने राइट। पीएसयू स्टॉक अच्छे हैं, पीएसयू बैंक्स अच्छे हैं, हमने पीएसयू बैंक्स लास्ट वीक भी डिस्कस किए थे, आज बहुत अच्छा मोमेंटम आया। पीएसबी अब मैं फोर्थ वेव कंप्लीट होके फिफ्थ में जाएगा, तो शायद कल ब्रेकआउट आएगा पीएसबी में। पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक में देखो अच्छा खासा आज मोमेंटम मिला है, 5% अप है। सेंट्रल बैंक में भी मोमेंटम मिला है, सो डेफिनेटली दीज स्टॉक्स आर गोइंग टू गिव गुड रैली इन कमिंग मंथ्स। और देखो मोदी आ रहे हैं ये साइन है, पीएसयू भाग रहा है सारा, पीएसयू स्टॉक्स भाग रहे हैं, पीएसयू बैंक्स भाग रहे हैं राइट। तो आएगा तो मोदी की, पीएनबी पे ध्यान रखो, एसबीआई हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कैन बैंक फोर्थ वेव करेक्शन के बाद ऊपर जा रहा है फिफ्थ में, सेम विद बैंक ऑफ बड़ौदा। सो कीप वॉच, इंडियन बैंक आज 6% अप है, लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था वेव फोर के रिट्रेसमेंट के बाद राइट। सो दीज आर गोइंग टू रन क्रेजी, महाबैंक महाराष्ट्र बैंक राइट, ये धनलक्ष्मी बैंक, दीज आर गोइंग टू रन क्रेजी, क्रेजी रन अप मिलेगा ये बैंक्स में, तो इसमें ध्यान रखो, अच्छा खासा मोमेंटम अच्छा खासा पैसा ये स्टॉक्स में बन सकता है, पीएसयू स्टॉक में, पीएसयू बैंक्स में, और केमिकल्स में थोड़ा बहुत, और ये जो मैंने एफएनओ के स्टॉक्स डिस्कस किए इसमें भी अच्छा खासा, आप अगर सही तरीके से करो ट्रेड तो पैसा बन सकता है। कल के लिए एसबीआई और बजाज फाइनेंस में सजेस्ट कर रहा हूँ, और एक्सिस बैंक कल के लिए, इस पे इन पे ध्यान रखो, टाटा मोटर्स भी है कल के लिए, अगर आप एफएनओ कर रहे हो कॉल्स कर रहे हो तो इन पे ध्यान रखो कल। अच्छा खासा मोमेंटम अगर ब्रेकआउट के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आ सकता है राइट। सो आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, क्योंकि सबको मिलनी चाहिए लर्निंग। और देखो मैं कॉलपुट भी अभी थोड़े बहुत डिस्कस कर रहा हूँ, तो सबको मिलना चाहिए राइट। सो कीप वॉच, कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग विद अस। और डेफिनेटली आपको अगर मेंटरशिप बैच ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी थोड़े बहुत सीट्स है, तो यू कैन व्हाट्सएप मी, देखो यहाँ पे ये नंबर पे आप सीधा कांटेक्ट करके पूछ सकते हो मेंटरशिप के लिए, और यू कैन डायरेक्टली रजिस्टर हियर राइट। रिकॉर्डेड कोर्सेज करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो रिकॉर्डेड कोर्सेज राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट, कीप लविंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग विद अस। दिस इज हर्ष दीक्षित साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन।